यहाँ पर मैं NCPCR नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स से प्रीति भारद्वाज दलाल मैं मेंबर हूँ और यहाँ पर हमारे अध्यक्ष जो हैं प्रियंका नूनगो जी उनकी डायरेक्शंस के चलते हुए हम लोग देशव्यापी हमारा ऑब्जर्वेशन होम्स में पूरे देश में और यूनियन टेरिटरीज में हमारा ये ऑब्जर्वेशन होम्स का विजिट हो रहा है और साथ में जो भी जितने भी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस हैं आसपास जो जुड़े हुए हैं उनके साथ वहाँ पर भी विजिट हो रहा है। इसी कड़ी में आज यहाँ पर शिमला में हमारा NCPCR का इंस्पेक्शन और विजिट रहा जो कि ऑब्जर्वेशन होम जनरल लोकल लैंग्वेज में बिकॉज आप न्यूज़ मीडिया बाइट ले रहे हैं जैसे बच्चों को जिन बच्चों ने किसी ना किसी रूप से कोई अपराध में यदि संलिप्त पाए गए हों या फिर उनके केस अगेंस्ट कोई केस रजिस्टर किया हो तो ऐसे बच्चों को ऑब्जर्वेशन होम में भेजा जाता है और जैसे बाल गृह संप्रेक्षण गृह कहा जाता है। सो वहाँ पर उनको क्या सुविधाएं उनको दी जा रही हैं या क्या कमियां हैं वहाँ पर कौन से अधिकारी जो वहाँ पर काम करने चाहिए या सुचारू रूप से चल रहा है किसी बच्चे को कोई लीगल एड की ज़रूरत है या नहीं है सो उस सब को लेके हमारी उन बच्चों से बातचीत हुई और संप्रेक्षण गृह का भी दौरा किया गया। उसके साथ ही 16 साल से 18 साल तक के बच्चे जो होते हैं वो प्लेस ऑफ सेफ्टी में उनको रखा जाता है और उससे बड़े बच्चों को तो और उसके बाद यदि बच्चे को सजा हो गई हो कन्विक्शन हो गया हो तो उनके लिए स्पेशल होम होता है। बट यहाँ पर पाया गया कि सारे बच्चे एक ही कैटेगरी में एक ही साथ रह रहे थे। 12 साल से का बच्चा सबसे छोटा था वहाँ पे और 23 साल तक के बच्चे जिनको प्लेस ऑफ सेफ्टी में होना चाहिए वो सब ऑब्जर्वेशन होम प्लेस ऑफ सेफ्टी में रह रहे थे जो कि एक जे एक्ट के विरुद्ध है। बाकी एक वहाँ पे गर्ल्स का ऑब्जर्वेशन होम भी शिमला में है और जो हमारी विजिट्स ऑल ओवर इंडिया में रही हैं एक जो एक चीज़ उभर के आती है एनालिसिस रहता है कि जो संप्रेक्षण गृह लड़कियों के लिए है वहाँ पर हमारे को या तो कोई लड़की होती नहीं है मिलती नहीं है या फिर बहुत कम पाई जाती हैं। सो ऑल ओवर इंडिया का अगर हम देखें तो एक ये एनालिसिस आता है कि लड़कियां ही कम अपराध करती हैं और लड़कों को ही ज़रूरत है हर रूप से काउंसलिंग की या फिर उनको एक सेंसिटाइजेशन की। गर्ल्स ऑब्जर्वेशन होम में प्लेस ऑफ सेफ्टी जो कि वहाँ पर डेजिग्नेटेड है और स्पेशल होम वहाँ पर विजिट किया। उसके बाद हमने एक CNCP जो कि टूटीकंडी में है वहाँ पर विजिट किया और वहाँ पर इस वक्त आई थिंक 83 लड़कियाँ हैं और जो डेजिग्नेटेड आफ्टर केयर होम है। आफ्टर केयर होम वो होता है जहाँ पे कि 18 साल से बड़ी लड़कियाँ उनको रखा जाता है जो कि ऑर्फन हो जिनके माता पिता या आश्रित या निराश्रित किसी भी रूप से हो। एक चीज़ जो मुझे यहाँ पर जानने को मिली जो कि अभी नोटिफाई किया है मैडम WCD से हैं डिप्टी डायरेक्टर सो इनके माध्यम से भी और CNCP के जो अधिकारी हैं सुपरिंटेंडेंट के मुख्यमंत्री की जो एक योजना अभी आगमी आने वाली है नोटिफाई हो गई है बट आई थिंक एक्ट बन रहा है जिसमें कि इन बच्चियों को जो कि ऑर्फन हैं व्हाट्स द नेम ऑफ द स्कीम मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना जो है जो अभी नोटिफाई अभी हो चुकी है बट आई थिंक इस पे तो उसमें बच्चों के लिए ऐसी लड़कियों के लिए बहुत सारे एक तरीके से इनको कहा जा रहा है कि ये राज्य के बच्चे हैं तो ये बहुत ही जिसको कहते हैं कि मन से बनाई हुई अच्छी योजना है। आई होप इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही सुचारू रूप से यदि होगा तो आई थिंक अन्य राज्यों के लिए एक बहुत बड़ी एक आई थिंक इट विल बी अ गुड प्रैक्टिस टू फॉलो। अदर देन दैट कि यहाँ पर अधिकारियों के साथ हमारी मीटिंग हुई और बहुत सारी हम आपको रिकमेंडेशंस देखने को समझने को लॉ में कुछ यदि कमियाँ हैं उनके क्या अनुभव रहे हैं ये जानने समझने को मिला और जो हमारे को जो हमें कमियाँ मिली या जिन अधिकारियों से हमें कहना था या बताना था वो भी हमने उनके साथ शेयर किया। तो ओवरऑल आज की हमारी पूरे दिन भर की विजिट में एक काफ़ी कुछ उभर कर सामने आया जो कि हम रिकमेंडेशंस जो होंगी या फिर जो भी हमारी डायरेक्शंस होगी वो हम संबंधित अधिकारियों को भेजेंगे।